आम का एक ऐसा पौधा जिसकी लाखों लोग दीवाने होते जा रहे हैं, लाखों लोगों की यह पहली पसंद भी बनता जा रहा है। तो आखिर इस प्लांट में ऐसी क्या खूबियां हैं जो इसे औरों से बिल्कुल ही अलग और स्पेशल बनाती है? जी हाँ दोस्तों, यदि आप कंटेनर गार्डनिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके भी गार्डन में आम का एक ऐसा प्लांट हो जो ज़बरदस्त फ्रूटिंग करे, जो कंटेनर के लिए ही बना हो, तो आज हम इस वीडियो में उसी प्लांट के बारे में जानेंगे कि जिसे लाखों लोगों की वो पहली पसंद कैसे बनता जा रहा है, उस प्लांट की क्या खूबियां हैं, उस प्लांट को कहां से लिया जा सकता है, उस प्लांट का क्या नाम है, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो आम की काफ़ी सारी वैरायटियां नर्सरी में आसानी से मिल जाती हैं। अमूमन जो प्रचलित वैरायटियां हैं उस जिसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं उनमें आम्रपाली, सदाबहार, थाईलैंड वैरायटी, अल्फ्रांसिसो, इस तरह की काफ़ी सारी वैरायटी उपलब्ध है जिसे आप पसंद कर सकते हैं। लेकिन आप उस प्लांट को चुनिए जो कि आपके कंटेनर में सूटेबल हो, कम देखभाल की ज़रूरत हो और आसानी से फ्रूटिंग करने वाला हो। तो इसमें आप स्वर्णरेखा, सदाबहार का प्लांट काफ़ी अच्छा कंटेनर के लिए माना जाता है, जो बड़ी ही आसानी से लग भी जाता है और इसमें जल्द ही फ्रूटिंग भी शुरू हो जाती है। अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि बारहमासी आम का पौधा एक कोरी कल्पना है। जी नहीं दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा पौधा दिखाने जा रहा हूँ। बारहमासी प्लांट का यह पौधा है, इसको लाए हुए कम से कम केवल 1.5 महीने का समय हुआ है, सितंबर का महीना चल रहा है और इसमें नई नई कोपलें आनी शुरू हो गई हैं, नई नई इसमें ग्रोथ भी आने लगी है, जिसकी वजह से इसमें नई नई पत्तियां भी सितंबर माह में निकलने लगी हैं। इसको हमने एक छोटे से ड्रम में लगाया हुआ है। इस प्लांट को हमने बहुत ही विश्वसनीय नर्सरी है वहां से हमने इसे लिया है। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि सितंबर के महीने में भी हमारे इतने कम समय में लगाए गए पौधे में भी ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ भी शुरू हो रही है और साथ ही इसमें आप देखेंगे कि इसमें बौर भी आने शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी सितंबर महीने में भी आपके सामने आप देख रहे हैं कि हमारे इस प्लांट में बौर आने शुरू हो गए और जल्द ही इसमें फ्रूटिंग भी होगी। लेकिन मैं इस बौर को रखने वाला नहीं हूँ, इसको काट के हटा देंगे, क्योंकि हमारा प्लांट अभी काफ़ी छोटा है। जब यह ग्रोथ होगा, जब इसमें नेक्स्ट टाइम में फ्रूटिंग आएगी तो उसमें से इसको रखा जाएगा। तब तक हमारा इस बारहमासी आम का प्लांट का पौधा भी काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो इसी तरह से जब भी आप नर्सरी से पौधा ले आइए तो विश्वसनीय नर्सरी वाले के यहाँ से ग्राफ्टेड आम का प्लांट होना चाहिए तथा वह बारहमासी प्लांट होना चाहिए। इस प्लांट की सबसे बड़ी खूबी है कि यह साल में 3 बार के लगभग फ्रूटिंग करता है। तो जब भी आप नर्सरी से पौधा ले आइए, उसको लगाइए, तो जब भी आपकी पहली फ्रूटिंग उसमें निकले तो आप उस फ्रूटिंग को मत रखिए, उसको काट के हटा दीजिए, ताकि आपका प्लांट अपनी सारी एनर्जी अपने को ग्रो करने में, हेल्दी बनाने में लगाए। जब आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी होगा, मजबूत होगा, तभी उसमें दमदार फ्रूटिंग आपको देखने को भी मिलेगी। तो इसलिए आप जब भी नर्सरी में जाइए तो आप नर्सरी वाले से यह ज़रूर बोल दीजिए कि आप हमको हाइब्रिड क्वालिटी की दूसरी ग्राफ्टेड प्लांट ही आपको बारहमासी प्लांट का
पौधा आपको दे, तभी उसमें फ्रूटिंग होगी। तो यदि इस प्रकार से आप जैसा कि देख रहे हैं कि बारहमासी आम के प्लांट की थोड़ी सी पहचान आप जान लीजिए, इसकी पत्तियां बहुत ही लंबी होती हैं और आगे से नुकीलीदार होती हैं। अमूमन तो जनरल आप पहचान नहीं सकते, लेकिन कुछ ही बातों को ये ध्यान में रखेंगे बड़ी आसानी से आप इस प्लांट को पहचान जाएंगे। साथ ही दूसरी जबरदस्त कंटेनर के लिए जो उपयुक्त प्लांट है मैंगो का, वो है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा की पत्तियां जो है नुकीली और पतली होती हैं, तो ये भी आप कंटेनर के लिए चूज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारी यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और इसको अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दीजिए ताकि हमारी नई नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके।